स्पेन में कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए अगले 15 दिनों तक के लिए आपातकाल घोषित कर दिया गया है। प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। आपातकाल घोषित होने के बाद सरकार इस बीमारी से और सख्ती से निपटने में सक्षम होगी। इसके तहत सरकार कई बड़े कदम बिना कोई देरी किए उठा सकती है। इस स्थिति में सरकार निजी घरों को छोड़कर अस्थायी रूप से कारखानों या किसी अन्य परिसर पर कब्जा करने सहित कई व्यापक उपाय कर सकेगी। प्रधानमंत्री सांचेज ने कहा, स्पेन की सरकार अपने सभी नागरिकों की सुरक्षा करेगी और महामारी को कम करने के लिए सही जीवन परिस्थितियों की गारंटी देगी। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि सरकार क्या खास उपाय करने जा रही है। अब तक पूरे देश में स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सिनेमा हॉल, थिएटर या खेल के मैदान धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, जिससे लोगों की जिंदगी की रफ्तार थमती जा रही है। कोरोना वायरस के चलते यूरो क्षेत्र की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था स्पेन का काफी बुरा हाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, दुनिया तक।